नमस्ते। आप किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में अपनी मैट पर बैठ जाएं। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लंबे समय तक आराम से बैठ पाएं, वैसे बैठें। बैक स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एब्डोमेन पुल्ड इन। अब ज्ञान मुद्रा में बैठें। आईज क्लोज्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। Inhale and exhale. दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ेंगे। अब इनहेल करके एक्सहेल करते हुए तीन बार ओम बोलेंगे। Inhale, Om chanting, first time. Om. Again. Om. Last time. Om. ओम चैंटिंग से हमारे आसपास बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। कुछ देर वाइब्रेशंस को फील करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से आगे की तरफ झुके। इनहेल एंड कम अप। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर देखें। गर्दन को पूरी तरह से पीछे ड्रॉप कर दे। कीप ब्रीदिंग। एक्सहेल एंड लुक डाउन। चिन को चेस्ट पे लॉक करें। अब गर्दन को नॉर्मल पोजीशन पे लाएं। अब नेक एक्सरसाइज की यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। इससे नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिन लोगों को सर्वाइकल का इश्यू है, वो लोग नेक डाउन ना करें, ऊपर की तरफ और दोनों साइड्स में वो लोग इसे कर सकते हैं। जिन्हें डबल चिन हो, उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है। जिन्हें माइग्रेन की तकलीफ है, जिनका बीपी हाई रहता है या जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल है।
जब आप गर्दन को स्टार्टिंग पोजीशन में वापस लाएं, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। अब हम पर्वतासन करेंगे। हैंड्स ऑन योर साइड्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियां एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। लुक अप, स्ट्रेच अप। ब्रीथिंग करते रहें, स्टे हियर। एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन, चिन ऑन द चेस्ट। इनहेल करते हुए यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे। ये आसन पूरे अपर बॉडी को अपवर्ड स्ट्रेच देता है, स्पाइन सीधी होती है और शोल्डर्स भी स्ट्रेच्ड होते हैं। अब यहीं से धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड पर बेंड करें, एल्बो स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और दोनों शोल्डर्स कान के पास रहें, नजर सामने। इनहेल करते हुए सेंटर में आए और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करें। ये आसन आपको रिब केजेस और वेस्ट लाइन पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है। बल्जिंग शोल्डर्स जिन्हें हो उनके लिए ये आसन लाभदायी है। सर्वाइकल में भी ये आसन किया जा सकता है। इस आसन से स्लिप डिस्क और साइटिका में भी राहत रहती है। धीरे से एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लाएं। ब्रीथ नॉर्मल। हाथ को साइड से ही एल्बो से बेंड करें और दोनों हाथों की हथेलियां या फिंगर टिप्स शोल्डर पे रखें। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे, पहले क्लॉकवाइज 5 times, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 times। एल्बोज जब आगे सामने की तरफ आए तो उन्हें एक दूसरे से टच करने की कोशिश करें। शोल्डर रोटेशन से शोल्डर मसल्स लूज होते हैं और नेक मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। हैंड्स डाउन, कीप ब्रीदिंग। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा खोलेंगे, शेक करेंगे, मूव करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब हम दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखेंगे, यानी कि दोनों फीट एक दूसरे के साथ टच करके हों। ध्यान रहे, हो सके तो नीज स्ट्रेट रखें। हैंड्स बाय योर साइड्स। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए bend forward and grab your toes. Try to keep your knees straight as much as you can. यदि आप अंगूठों तक ना पहुंचे तो ankles या जितना आगे पहुंच पाए पैरों को पकड़ लें। Breathing करते रहें। Lower back को long करने की कोशिश करें। Keep looking straight. आप बैठने के लिए कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आसन करते समय ध्यान रहे कि आप लोअर बैक को आगे की तरफ खींच रहे हैं। जिन्हें लोअर बैक पेन है वो लोग सर को नीचे ना झुकाएं, बाकी लोग
सर को नीचे झुकाते हुए नी से टच करने की कोशिश कर सकते हैं। इनहेल, कम बैक। जिन्हें नी के नीचे या थाइस में पेन हो रहा है वो लोग दूसरे पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कुशन को नीज के नीचे प्लेस करें। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लें। अब एक्सहेल करते हुए चेस्ट डाउन करेंगे और हेड को नी से टच करने की कोशिश करेंगे। ये आसन स्टमक के आसपास जमा हुए बैड फैट को लूज करता है। ये आसन लोअर बैक पेन में भी फायदेमंद है। जिन्हें स्टमक में क्रैम्प्स आ रहे हो वो लोग इस आसन को अवॉइड करें। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल ग्रैब योर टोज, हेड डाउन ऑन द नीज। दोबारा करेंगे, हैंड्स अप, रिलीज द पोस्चर, ब्रीथ नॉर्मली, शेक योर लेग्स। अब धीरे से दोनों पैरों को नी से बेंड करें। दोनों फीट एक दूसरे से टच करेंगे और बटरफ्लाई पोज में आएंगे। दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ लें, बैक स्ट्रेट रखें। आप बैठने के लिए हिप्स के नीचे कुशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल बैठ जाएं। दोनों फीट जितना हो सके पेरिनियम के पास लाएं, यानी कि अपने बॉडी के पास लाएं। अगर नहीं ला सकते हैं तो जितना कंफर्टेबल है उतना दूर भी रख सकते हैं। अब धीरे से दोनों नीज को और थाइस को फ्लटर करना शुरू करेंगे, जैसे कि एक तितली। बैक स्ट्रेट रखेंगे, एब्डोमेन पुल्ड इन। इनहेल करते हुए लुक अप, एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। चेस्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर धीरे धीरे हेड डाउन करेंगे। कुशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि आप अच्छे से आगे की तरफ नहीं झुक पा रहे। कुशन को अपने फीट के ऊपर रखें एंड देन ट्राई टू डू द सेम। बटरफ्लाई आसन यानी कि तितल आसन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में करने से फायदा होता है। यदि आपके पंजे फ्लोर पे गड़ रहे हैं तो आप कुशन को फीट के नीचे भी रख सकते हैं। ये आसन पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबल करता है और ये आसन हिप्स को ओपन भी करने में मदद करता है। अगेन इनहेल, एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। इनहेल एंड बैक टू सेंटर। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और हग करेंगे। यदि आपने कुशन का इस्तेमाल किया है तो कुशन हटा लें। दोनों पैर सीधे करें, उन्हें शेक करें, स्ट्रेच करें, मैक्सिमम रिलैक्सेशन देंगे। A
अब धीरे से दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं। दोनों फीट के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस रखें। पैर के पंजे सीधे कर लें, यानी कि टोज और हील्स एक लाइन में रहें। दोनों हाथों को कमर पे रखें। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। हेड डाउन, हेड को पूरा रिलैक्स छोड़ दें और आगे की तरफ झुकने दें। दोनों हाथों की सारी फिंगर टिप्स फ्लोर पे रखें। आप नीज को बेंड कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो दोनों नीज को स्ट्रेट करें और पूरे लेग्स में स्ट्रेच फील करें। इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर उठें। ब्रीदिंग करते रहें। दोनों हाथों को कमर पे रखें और इनहेल करते हुए थोड़ा सा पीछे झुकेंगे। ट्राई टू गो बैक एज मच एज यू कैन। इस बैक बेंडिंग के दौरान ध्यान रखें, हेड को बहुत ज्यादा पीछे ड्रॉप ना होने दे। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ वापस झुके। दोनों हाथों की सारी फिंगर टिप्स फ्लोर पे रखेंगे और हाथ को फीट के बाजू में रखें। यदि आप फिंगर टिप्स को फ्लोर पे नहीं रख पा रहे तो पिलो का इस्तेमाल करें। पिलो को टोज के आगे रखें और उसके ऊपर दोनों हाथ प्लेस करें। अब धीरे धीरे मैक्सिमम स्ट्रेच फील करें, यानी कि हेड को नीज की तरफ खींचे, अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करेंगे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर उठें और हल्का सा बैक बेंडिंग करें। कीप ब्रीदिंग। बैक बेंडिंग के दौरान आप दोनों हाथों को कमर पे रख के पीछे की तरफ से हिप्स को बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए अपनी लेफ्ट साइड पर बेंड करें। नजर सामने, हाथ एल्बो से सीधा रखने की कोशिश करें। आप अपने राइट आर्म को भी देख सकते हैं। एब्डोमेन मसल्स शुड बी पुल्ड इन। कीप ब्रीदिंग। सेंटर में वापस आए। एक्सहेल हैंड डाउन। अब अपना लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल पे उठाएंगे। इनहेल हैंड अप और अपने राइट साइड पे एक्सहेल करते हुए झुकेंगे।
अपने लेफ्ट आर्म की तरफ नजर रखें। स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स, कीप ब्रीदिंग। ये आसन बैक पेन और स्टिफ लोअर बैक के लिए काफी फायदेमंद है। इस आसन से स्पाइन के बगल के मसल्स लूज होते हैं। ये आसन लव हैंडल्स और वेस्ट लाइन के लिए काफी लाभदायी है। प्रेगनेंसी के बाद फैट लॉस के लिए ये आसन उपयोगी है। ये आसन करते समय जहां पे भी पेन फील हो रहा है, स्ट्रेच फील हो रहा है, उन मसल्स को रिलैक्स छोड़े, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ना होने दे। सेंटर में वापस आके एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लाएं। शेक योर लेग्स। अब धीरे से अपने राइट पैर को नी से फोल्ड करें और लेफ्ट थाई पे रखें, जितना हो सके ऊपर की तरफ रखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और नमस्ते में जोड़ें। हाथों को एल्बो से स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। दोनों शोल्डर्स कान के पास रहें। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं, रिलीज द पोस्चर, शेक योर लेग्स। इसे हम वृक्षासन कहते हैं, यानी कि ट्री पोज। अब यही सीक्वेंस लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। ये आसन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और फोकस करने में मदद करता है। ये आसन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। इस आसन से बैलेंस करने में भी मदद रहती है, मेमोरी पावर बढ़ता है और मन शांत होता है। ये आसन विल पावर को भी बढ़ाता है। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं। Release the posture and shake your legs. दोनों पैरों को 6 इंच के गैप में रखेंगे, नजर सामने की ओर। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाएं, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, पाम फेसिंग द सीलिंग, स्ट्रेच अप। हाथों को थोड़ा पीछे की ओर और ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक्सहेल हैंड्स डाउन। दोनों हाथों को पीछे फिंगर्स से लॉक करें। हाथों को जितना हो सके बॉडी से दूर ले जाएं, पीछे की ओर खींचें।
Try to open your shoulders. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, बेंड बैक, हाथ सीधे रखें और कंफर्टेबली जितना पीछे झुक सकते हैं झुकें। हेड को पीछे ड्रॉप ना होने दें। दोनों शोल्डर्स और कान एक साथ एक लाइन में रहें। कीप ब्रीदिंग। एक्सहेल करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड, दोनों हाथों के फिंगर टिप्स पैर के बाजू में लाएंगे, लोअर बैक को जितना आगे की तरफ खींच पाए खींचे। फिर से यहां आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंड फॉरवर्ड, pull your upper body in. धीरे से inhale करते हुए hands up, come up, bend back, breathing करते रहें। अब exhale करते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकें। हस्तपादासन पूरी तरह से आपके बैक को स्ट्रेच करता है। अब इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, शेक योर लेग्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे। अपने मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। अगेन यू कैन यूज अ पिलो टू बी कंफर्टेबल। ज्ञान मुद्रा में आएंगे, आईज क्लोज्ड, बी विथ योर ब्रेथ्स, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, ज्यादा गहरी सांसें ना लें। अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें, मन शांत करें। फोकस के लिए आप अपने नाक के टिप पर या दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर आज्ञा चक्र होता है वहां पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यदि आप किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी एक साउंड पर भी फोकस कर सकते हैं। ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते रहें। इस तरह से ध्यान करने से चेहरे पर ग्लो आता है, इससे मन शांत होता है और हमारा मन फोकस्ड रहता है। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब इस तरह से ये मेडिटेशन की प्रक्रिया की जाती है। फीमेल्स, खास करके हाउसवाइफ्स, जो लोग पूरा दिन घर का काम करते हैं, उन्हें खास करके अपने लिए 2 मिनट निकाल के मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए ओम चैंट करेंगे 3 बार। इनहेल, एक्सहेल एंड चैंट ओम। नॉर्मल ब्रीदिंग करें और ब्रीदिंग के साथ अपने पूरे शरीर को फील करें। एक्सहेल करते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकें। इनहेल एंड कम अप।
रिलीज द पोस्चर, ओपन योर आईज। नमस्ते।